अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 8th क्लास की कंप्यूटर का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में आपको तमाम एग्जांपल्स के बारे में गाइड कर दूंगा प्रॉपरली। आप लोग उसके बाद इसके 2-2 एग्जांपल्स करके आप लोग 2-3 डेज में आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद एक जो है मैं लेक्चर आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड दे दूंगा, तो इस तरह आप लोगों को ये चैप्टर है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास है सम फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व सम सिंपल प्रॉब्लम्स आर गिवन एज फॉलोज। सो ये आपके पास है सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो फ्लो चार्ट है वो सामने आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जो कि क्या है आपके पास। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, हम लोग इसमें चार चीजें जो है टोटल परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बाद उसे इनपुट करेंगे, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग के बाद उसकी क्या होगी आउटपुट होगी। ठीक हो गया। सो एज वी नो स्टार्ट के लिए हम लोग ओवल सिंबल इस्तेमाल करते हैं और ये जो आपके पास सिंबल है ये पैरेललोग्राम है। तो एज वी नो इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अगर हम रेक्टेंगल सिंबल की बात करें तो वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपके पास पैरेललोग्राम जो है ये भी क्या है इनपुट आउटपुट, और फिर उसके बाद जो है ये इस तरह हमारा जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो। ये जो डायमंड सिंबल है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो डिसीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें क्या होगी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीन चीजें हम लोग बेसिकली जो है मेन जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करें, स्टार्ट के बाद पूर वाटर इसके अंदर कैटल के अंदर वाटर डालें, उसके बाद उसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने का प्रोसेस क्या हो रहा है उसकी कैलकुलेशन हो रही है। ठीक हो गया। एड टी लीव्स इन द कैटल, आप क्या करें कैटल में जो है टी लीव्स जो है वो एंटर करें, और उसके बाद लेट द टी लीव्स टू बॉयल, जब वो बॉयल हो रहा है प्रोसेसिंग हो रही है काम हो रहा है उसके ऊपर, तो वो क्या कहलाएंगे उसके रेक्टेंगल सिंबल जो है इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। एंड उसके बाद जो है पोर टी इनटू द कप, जब आपके पास टी बन जाए तो उसको क्या करें आप कप के अंदर डालें, और कप के अंदर डालने के बाद आपने क्या करना है फिर उसके बाद जो है उसमें मिल्क डालेंगे, पोर मिल्क इनटू द कप। और अगर आप उसके बाद जो है इज शुगर नीडेड, अगर शुगर की जरूरत है या नहीं है, तो डेफिनेटली आप किसी के सामने भी चाय देंगे तो उससे पहले पूछेंगे कि आपको शुगर की जरूरत है या नहीं। If yes, अगर उसको डिमांड हो शुगर की तो फिर आप क्या करेंगे आप फिर शुगर उसमें इनपुट करेंगे। ये भी कौन सा सिंबल आ गया आपके पास इनपुट सिंबल आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं पैरेललोग्राम। और ये डायमंड सिंबल बेसिकली डिसीजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक इसमें इनपुट होती है, दो इसके आउटपुट्स होती हैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। फिर उसे स्टेयर करेंगे, उसे हिलाएंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद अगर आपके पास उसको शुगर नहीं भी चाहिए तब भी हम लोग क्या करेंगे टी इज रेडी, अगर शुगर चाहिए तो शुगर ऐड करके उसको हिलाने के बाद हम उसे दे देंगे, तो वो भी क्या होगी आपके पास जो टी है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है। और आपका ये जो फ्लो चार्ट है ये स्टॉप हो जाएगा। तो आई थिंक सो कि इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है फ्लो चार्ट टू मेक एन ऑमलेट। ऑमलेट बनाने का जो फ्लो चार्ट है वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल कैसे है वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ऐड स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद हमने ऐड किया इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने ऐड किए हैं। तो कौन से इंग्रेडिएंट्स है आपके पास जो है वो है एग, ऑनियन, सॉल्ट एंड पेपर। ये तमाम ये चार चीजें अगर हम लोग ऐड कर लेते ये क्या हो रहा है इनपुट प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद बीट द मिक्सचर, सही है ना, तमाम चीजों को आपस में मिक्स किया जाता है। एंड वार्म ऑयल इन द पैन, पैन के अंदर ऑयल डालें उसे गर्म होने के लिए छोड़ दें। एंड पोर मिक्सचर इन द पैन, और जो ये चारों चीजें हैं उसको क्या करें पैन के अंदर डाल दें, उसके बाद क्या करें उसे कुक कर लें। और कुक करने के बाद इस ऑमलेट कुक्ड, अगर पक गया है तो फिर क्या करें टेक आउट इन प्लेट एंड सर्व। ठीक है। अगर नहीं पका, अगर वो अभी तक कच्चा है या सही तरह से उसको हीट नहीं लगी तो कुक मोर, ये देखें नो है तो कुक मोर, दोबारा गया दोबारा चेक करेगा, आपने दो बार चेक कर दें, तीन बार चेक करते हैं, चार बार, जब हम कोई चीज बना रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो इस ऑमलेट कुक्ड, अगर कुक हो जाए तो टेक आउट इन द प्लेट एंड सर्व एंड इट इज स्टॉप। तो आई थिंक सो कि इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट गाइडलाइन आप लोगों को रिक्वायर्ड थी तो आप लोग इसको अच्छी तरह से खुद से बना सकते हैं। तो आप लोग इनको ड्रॉ करके मुझे सेंड कीजिएगा बना के। ठीक हो गया। सो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को, स्टार्ट करने के बाद उसमें 5 नंबर्स हम लोगों ने उसमें इनपुट करने हैं। इनपुट करने के बाद उन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, ऐड का मतलब ये है कि सम कर लेंगे उसका। ठीक है। और सम करने के बाद हमने क्या करना है उसमें रेक्टेंगल सिंबल में हमने डिवाइड द सम बाय 5 टू गेट एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। आप क्या करेंगे उसी नंबर को आप 5 से
डिवाइड करेंगे जो आपने सम निकाला है, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, एवरेज मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट सिंबल्स का हमें पहले से ही पता है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग कि इनपुट आउटपुट सिंबल आउटपुट करेंगे हम लोग, तो डिस्प्ले क्या करना है हम लोगों ने, सम, और उसके बाद क्या डिस्प्ले करना है हम लोगों ने, एवरेज। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फाइव नंबर्स का जो वो क्या होगा, सम, और उसके बाद उनकी जो एवरेज है वो कैलकुलेट होके सामने आ जाएगी। ठीक हो गया। सो ये भी आप लोग राइट कर लीजिएगा फ्लो चार्ट। उसके बाद है फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फाइव गिवन नंबर्स। पांच गिवन नंबर्स का अगर आप लोग प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप इसको सोचें जरा, तो किस क्या फ्लो चार्ट है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है फाइव गिवन नंबर्स का। सो सबसे पहले आपके पास पांच नंबर होने चाहिए, पांच नंबर होने के बाद आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद उसका रिजल्ट दे देंगे। सो सिंपल इज दैट। तो सबसे पहले आप लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करें, सबसे उसके बाद आप पांच नंबर जो है वो इनपुट करें। पांच नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 10, 12, 13, 14, 15। तो पांच नंबर्स को इनपुट करने के बाद फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करने वन बाय वन। ठीक है, वन को सेकंड को, सेकंड को थर्ड के साथ, और थर्ड को फोर्थ के साथ, इसी तरह फोर्थ जो है वो फिफ्थ के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर उसके बाद आउटपुट जो सिंबल है उसके जरिए क्या होगा, यहाँ पर जो है रिजल्ट वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, आपके पास इनपुट आउटपुट, यहाँ से इनपुट हो रही है, ये प्रोसेसिंग है, और ये इसके आउटपुट आई थिंक थ्री लाइंस का फ्लो चार्ट है, तो आप लोगों को ये फौरन ही समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द टू गिवन अनइक्वल नंबर्स। अनइक्वल नंबर मतलब ये है कि दो डिफरेंट नंबर्स हैं आपके पास, एक स्मॉल है, एक क्या है, लार्ज है, उनमें से हम लोगों ने ये डिस्प्ले करना है कि विच वन इज द लार्जेस्ट और कौन सा आपके पास लार्जेस्ट नहीं है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें दो नंबर्स चाहिए। ठीक है, दो नंबर्स हमने इनपुट कर लिए, जो कि क्या है आपके पास, एक ए है और दूसरा क्या है आपके पास बी। और दो नंबर्स इनपुट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे, ये इफ कंडीशन का आपको पता होगा कि इफ कंडीशन किस लिए इस्तेमाल होती है, अगर हम लोग उसमें कंपैरिजन करना चाहते हैं ये वैल्यूज के दरमियान, तो देन हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप पास जो है ए जो है, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू क्या है 5। मैं यहाँ पे ज्यूम करता हूँ, ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 5। तो अगर आपके पास 10 जो है ग्रेटर देन 5, मीन्स क्या है कि ए ग्रेटर देन 5, ये क्या हो सकती है, ये ट्रू होगी, तो डिस्प्ले ए। अगर आपके पास अदरवाइज क्या करेगा उसको बी। तो यहाँ पर इन दिस सिचुएशन क्या होगा, आपके पास ए डिस्प्ले होगा, और इसी तरह अगर आपके पास जो है कंडीशन क्या हो बी बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा, बी डिस्प्ले हो जाएगा। आई थिंक सो इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, सिंपल आपके पास नंबर है उसको आप सामने जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद ही यहाँ पर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विद गिवन लेंथ एंड विड्थ। अगर आपने किसी भी रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है जिसमें लेंथ गिवन है और क्या है विड्थ गिवन है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने इनपुट करना है लेंथ, और लेंथ के बाद इनपुट करने के बाद आपने विड्थ। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर रीजन की हमें लेंथ पता होनी चाहिए और विड्थ पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग में फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा, वो क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करें, और ये रिजल्ट किसमें स्टोर होगा, डिस्प्ले एरिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्प्ले एरिया, और हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फ्लो चार्ट है टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रीजन विथ गिवन रेडियस। डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे पास जो सर्कुलर रीजन है उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि रेडियस गिवन होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए इनपुट आउटपुट सिंबल में यहाँ पर क्या है, रेडियस गिवन कर दिया। रेडियस इनपुट करने के बाद एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन जो है वो क्या है, पाई, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 हमने राइट कर दी, मल्टीप्लाई बाय आर और मल्टीप्लाई बाय आर, मतलब रेडियस को दो बार मल्टीप्लाई करके आप 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एरिया को डिस्प्ले कर देंगे, बस इतनी सी बात है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, स्टॉप, और स्टॉप होने के बाद जो है प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये आपके पास जो था, कौन सा था आपके पास प्रोग्राम जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कुलर एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तमाम फ्लो चार्ट है आपके पास, ये तमाम के तमाम आप लोग अच्छी तरह से कर लें, इनको ड्रॉ करें पेजेस के ऊपर, दो दो तीन तीन करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर दें। अगर कुछ आपने पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह।